नमस्कार दोस्तों, एमएनटी न्यूज में आपका स्वागत है। ये जो आग लगी हुई गाड़ी है, ये एक मारुति ओमिनी वैन है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग चुकी है। यह गाड़ी एक स्कूल वैन है जो बच्चों को ले आना ले जाना का काम करती है, और इसके अंदर आग लगने से पहले 4 से 5 विद्यार्थी और ड्राइवर मौजूद थे, लेकिन आग लगने के तुरंत बाद उनको हिफाजत और सेफ्टी के साथ बाहर निकाल लिया गया है। कोई जान की माल की हानि अभी तक तो नहीं हुई है, सिर्फ गाड़ी में पूरी तरह से आग लग चुकी है और धुआं देख रहे हैं आप, काफ़ी इस गाड़ी से निकल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं नियंत्रण करने के लिए, और अभी भी आग लेकिन नियंत्रण नहीं हुई है। और अब देख रहे हैं कि एम्बुलेंस को भी बुलाया गया है सेफ्टी के तौर पर, और 2 गाड़ी तो मौजूद है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की, और फायर ब्रिगेड कर्मचारी इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड का पाइप भी निकल चुका था, अब वो फायर ब्रिगेड का पाइप जोड़ दिया गया है। अब वापस आग नियंत्रण में दिखाई दे रही है थोड़ी सी, आग कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है, और आग जहाँ तक हो चुकी है शायद कंट्रोल हो चुकी है, सिर्फ धुआं निकल रहा है।